नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। दो नए मेहमान आए हैं घर पे, उनके लिए पिंजरा लेके आ रहे हैं आज शहर से। और वो दो मेहमान है कौन, तो आपको मैं बताऊंगा शहर से आके। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं शहर, मैं और पापा जा रहे हैं, लगभग 2-3 घंटों में आ जाएंगे। अभी बज चुका है 1, तो अभी चलते हैं जल्दी से शहर। आ गए हैं अभी शहर, और सबसे पहले ना किराने की दुकान है वहाँ पे आए हैं, थोक विक्रेता के पास, जिसको पापा कहते हैं थोक विक्रेता है, तो वहाँ से ले लेते हैं चीनी का गट्टा और साथ में गुड़ का। जल्दी से, ये दुकान है, यहीं से ही हम लेके जाते हैं जब भी आते हैं ना शहर, तो अगर दुकान के लिए सामान लेना हो तो यहाँ से लेते हैं। तो पापा, अभी आपने क्या कुछ ले लिया उस दुकान से? चीनी, गुड़, बीड़ी, इलायची, बिस्कुट। लिया कितना टाइम लग जाएगा अपने को यहाँ पे? 10-15 मिनट लगेगा। एक और किराने की दुकान पे आ गए हैं, और पार्ले जी बिस्किट ले लिए सबसे पहले। और क्या लेना है अपने को? ऐसी कुछ दुकान है, देख सकते हो, पहले भी व्लॉग्स के अंदर आया हूँ यहाँ पे। पार्ले जी बिस्किट और पतासे ले लिए, दो चीजें ही लिए यहाँ से। दोस्तों सामान रख लिए, और इधर साइड में आदित्य चौटाला वोट मांगते हुए, तो भी चला जाए, सामान ले लिया अपन ने। दोस्तों 20 मिनट के अंदर ना सारा सामान ले लिया, बताओ। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ सा ही नहीं, मेन है पिंजरा लेके जाना, दो मेहमान है ना अपने, वो पिंजरे के बिना रह नहीं सकते, उनको आरामदायक माहौल चाहिए। और बाकी सामान तो आपने देख लिया, और आदित्य चौटाला आए हुए थे, वोट मांग रहे थे, तो देखना रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार वाला चुनाव। आ गए हैं अभी दुकान पे जहाँ पे हमको मिले हैं पिंजरे, ये देखो अलग अलग पिंजरे पड़े हैं, और देख सकते हो आप, ये बढ़िया लगा मेरे को तो। बाकी मम्मी को फोटोज भी भेजनी पड़ेंगी पता करने में। ये ले लिया दोस्तों, स्पेस भी बढ़िया इसके अंदर, और ये हमको पड़ा है 500 रूपए का, 550 मांग रहे थे और 500 के अंदर ले लिया। तो दोस्तों देख लो, ये ले लिया है। ओके दोस्तों, तो गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ, और घर आके मैंने देखा कि मम्मी मेरी फेवरेट बर्फी बना रहे हैं, बताओ, गुड़ वाली। वो भी आपको इतना क्या शौक हो गया है कि डेली ये बनाने का? तू ही मांग रहा है रोज रोज, मेरे को तो कोई शौक नहीं है, तू ही कह रहा है मुझे खानी है, मुझे खानी है। ये देखो पिंजरा, और किसके लिए लेके आए? ये हैं हमारे दो नए मेहमान, देखो इनका नाम नहीं सोचा है अभी, और इनका ये घर रहने वाला है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद बड़े हो जाएंगे तो घूमेंगे बढ़िया। दोनों भाई है दोस्तों ये, ठीक है, और मेरा कोई प्लान नहीं था ये लाने का, मम्मी का था मन, तो डानी है यहाँ पे हमारे गाँव में, तो वहाँ से ये लेके आए थे, और बहुत क्यूट है देखो, दोनों साथ में ही रहते हैं सारा दिन, ये लो भाई ऐसे सो जाते हैं। बाकी दोस्तों ये बर्फी है ना, तो ये सबको पसंद आई थी, राहुल को और सबको, जिसने भी ये खाई तारीफ ही निकली, जिसने भी ये बर्फी खाई वो इस पर रिपीट का दीवाना हो गया, सही में इतनी टेस्टी बनी है। कब तक तैयार हो जाएगी तो ये रिपीट में तीसरी बार बन रही है हमारे यहाँ, ये कब तक तैयार हो जाएगी? अब लगेगा आधा घंटा इसमें। ये देखो दोस्तों ऐसे रहेंगे, इसके अंदर दूध रखना है इनका, और थोड़ी मिट्टी रखते हैं जिसपे ये पेशाब वगैरह कर सकते हैं उसपे। शाम का टाइम हो चुका है, और मम्मी ने बनाई है 2 थाली बर्फी, ये देखो आप, और टेस्ट अभी मैंने नहीं किया, मम्मी थोड़ा सा टेस्ट करवा दो आप। अभी मम्मी काट के देंगे एक बर्फी, और फिर बताता हूँ आपको कैसा टेस्ट है, पिछली बार की तरह है या नहीं। ये रही बर्फी, वाह भाई वाह, बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया पिछली बार में और अब में, वैसी की वैसी बढ़िया बनी है। नहीं बताओ मम्मी आप क्या राज है इतनी बढ़िया बर्फी बनाने का? देखो देखो जहाँ कुछ तो बताओ, कोई राज नहीं है इसमें, जो चाहे वो बना सकता है, कोई राज नहीं है इसमें। आज मैंने बनाई है 1 किलो बेसन और 750 ग्राम गुड़ डालकर ये बर्फी बनाई है। दोस्तों आज 14 है, भोमिया जी का मंदिर है, भोमिया दादा का, यहाँ से थोड़ी दूर अभी मैं जाऊँगा धोख देने, जब भी 14 आती है तो हम मंदिर पे जाते हैं, और गांव की औरतें वहाँ पे जाके रात जगाती हैं, भजन कीर्तन करते हैं रात को, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मंदिर। इस लिफाफे के अंदर ले लिए चून, जिसको हम कहते हैं गेहूं, और साथ में है घी जो अपन वहाँ पे चढ़ाएंगे, तो चलो अभी जल्दी चलते हैं। दोस्तों अभी दर्शन कर लिए हैं, और ये मंदिर है भोमिया दादा जी का, और मैं बचपन से ही आ रहा हूँ यहाँ पे, अभी चलते हैं सीधा घर। दोस्तों अभी आ चुका हूँ घर, और आज का व्लॉग अपन यहीं पे ही रखते हैं, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, टाटा बाय बाय आप सबको, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।